ऋतु जी कैसी हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं अच्छी। क्या बाल में क्या कुछ लगा रही है? टचअप हो रहा है। अच्छा, आज आर्मी की शूटिंग चल रही है और आर्मी की ड्रेस आप क्यों नहीं पहनी है? है तो आर्मी। अच्छा, आर्मी के लोग प्राइवेट में घर पे जैसा ही कपड़ा पहनते। अच्छा, तो प्राइवेट ड्रेस आपका घूमने वाला है। क्या आर्मी सुनते ही क्या दिमाग आपका आता है, किस तरह का ख्याल आता है? सबसे पहले प्रणाम अपने सभी भोजपुरी दर्शकों को। आर्मी का वर्ड सुनते ही बहुत एक पावरफुल, इसके जो प्रोटेक्ट करते हैं पूरी इंडिया को, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आर्मी, एक अच्छा सा एक आता है, एक रिस्पेक्ट निकलता है दिल से, उनके लिए दुआएं निकलती हैं। आर्मी का यही फेज है एंड सौभाग्यपूर्ण हम कर रहे हैं इसको। हालांकि अभी तो गाने की शूट कर रहे हैं और स्टोरी बहुत प्यारी है। एक आर्मी वाले की लाइफ कैसी होती है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड और उसका जॉब, वो सब फिल्मा रहे हम। फिल्म के डायरेक्टर सुजीत जी हैं, हीरो दिनेश लाल यादव जी हैं, दोनों के साथ फर्स्ट टाइम आपका काम हो रहा है। जी हाँ। कैसा लगा? दो तीन दिन अभी शूट भी हो चुका है, दोनों एक्सपीरियंस बताइए। आई एम सो ब्लेस्ड। मैं छोटी मुंह बड़ी बात होगी, मैं एक बहुत डेली हर प्रोजेक्ट में कोशिश होती है कि एक्टिंग को अपने और कैसे मांझा जाए, अच्छे से अच्छा एक्टिंग को कैसे प्रूव किया जाए। अगर हो सकता है मेरे अंदर उनको लगा हो कि ऋतु को चांस देना चाहिए, सुजीत सर ने मुझे याद किया एंड नो डाउट दिनेश सर के साथ काम करने का हर कोई एक्टर बेताब है कि उनके साथ कब स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले। इवन मैं फर्स्ट टाइम ही बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जब मैं जिगर फिल्म की थी दिनेश सर के साथ, एंड अभी तो आई वॉज लाइक कि यकीन नहीं हो रहा है कि उनके साथ मैं अपोजिट में हूँ, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से मैं कर रही हूँ। पवन जी के साथ काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने दिया है और काफ़ी एक्शन के लिए जाने जाते हैं सुजीत जी, कभी आपने अभी एक्शन किया कोई शूटिंग में? हाँ, किया है मैंने एक्शन, अभी वो फिल्म रिलीजिंग पर है बिकॉज लॉकडाउन है इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा है, सब रखे हुए हैं और मुझे एक्शन करना दिल से बहुत पसंद है, अगर मौका मिला तो ज़रूर करूँगी। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ट्रैक जस्ट अ हाउसवाइफ, एक सपोर्टिव कैरेक्टर है दिनेश जी का, जो उनकी लवर है, उनकी वाइफ बनती है और उनको सपोर्ट करती है वो लड़की, वो मेरा कैरेक्टर है, पूजा नाम है उसका। मतलब आप दिनेश लाल यादव जी की वाइफ हैं? अब अपने टैगलाइन मत बना देना, मैं दिनेश जी की बहन भी हूँ जिगर में एंड अभी। हाँ, टैगलाइन बना सकते हैं क्योंकि इन आर्मी हो सकता है कि हमें दिनेश जी की वाइफ हो, अगर वो जस्टिफाई कर पाऊँ तो। वेरी गुड। मतलब आप क्लियर नहीं कर सकते आप उनकी पत्नी हैं? क्यों नहीं कर सकती, मैं हूँ आर्मी में उनकी पत्नी। हाँ। मैं आर्मी में उनकी पत्नी हूँ, रियल में नहीं है। लेकिन आप कहाँ पे, आप रियल लाइफ शूट करने आए? आप चलिए हम आगे चलते हैं और फिल्म की बात करते हैं। अभी मढ़ में शूटिंग कर रहे हैं, नंदन वन स्टूडियो है, कैसा रहा कुछ माहौल दिन भर का, कितने लोग मिलने आए आपसे और क्या कुछ दिन भर का दिनचर्या बताइए शूटिंग को लेकर के? देखिए, दिनचर्या हम 24 से शूट कर रहे हैं यहाँ पे और आज तो नंदन वन में कर रहे हैं, तुलसी विहार में दो दिन किया एंड बहुत ऑसम एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी लोग मिलने आए, मुझसे नहीं दिनेश जी से मिलने आए और लगे हाथ में कॉम्प्लीमेंट्री, मैं भी मिल ले रही हूँ सबसे और आज भी काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी फिल्म मेकर्स आए यहाँ पे और कुछ प्रोजेक्ट्स लेके डिस्कशन हो रहा है, बातें चल रही हैं, काम भी हो रहा है, तो मैं बस इंजॉय करती हूँ अपने माहौल को शुरू से। लॉकडाउन में अभी तक कितने फिल्में आपने शूट किया है? कितनी फिल्में, आई थिंक काउंट नहीं किया, लेकिन कुछ फिल्में रिलीजिंग पर हैं जैसे बापजी है एंड वंश है। बापजी में किसके साथ है? खेसारी जी के। क्या बात है। और डायरेक्टर भी यहाँ मौजूद, दीवंदर सर, देव पांडे जी हैं। अच्छा, क्या उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? खेसारी जी, देव जी के साथ काम करके कैसा लगा आपको? खेसारी जी के साथ मैंने पहले भी मेहंदी पार्ट वन किया था एंड संघर्ष बागी, लेकिन पहली बार उनके अपोजिट मैंने किया देव सर, उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, कि उन्होंने भी मुझे चांस दिया और वो बहुत ही सब्जेक्टिव मूवी है, हालांकि हीरोइन का इतना काम नहीं है, लेकिन बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार एक सिंगल मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उनके साथ काम करूँ, तो इट्स लाइक गुड लक।